मानवाधिकार दिवस पर एसपी अभिनंदन सिंह ने पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ। बता दें कि मानवाधिकार दिवस पर एसपी कौशाम्बी अभिनंदन सिंह ने आज 10 दिसंबर बृहस्पतिवार एसपी कार्यालय प्रांगण में पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों की रक्षा हेतु शपथ दिलाई। मानवाधिकार दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों अधिकारियों को मानवाधिकार नियमों व मानव अधिकारों की रक्षा के पालन हेतु शपथ दिलाई गई। एसपी अभिनंदन सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि पुलिस से सबको अपेक्षा रहती है कि नियमों का पालन करते हुए पुलिस अपने काम को करे, कोई भी ऐसा काम न करे जो पुलिस के खिलाफ जाए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ईमानदारी से काम करने की सीख भी दी थी। मानवाधिकार दिवस के मौके पर एसएसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करे, मानवाधिकार का ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे, कोई ऐसा काम न करे जिससे मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन होता हो। एसपी कौशाम्बी ने कहा कि मानवाधिकार नियमों के बारे में सभी पुलिसकर्मियों को पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के ऊपर पूरे समाज की नजर होती है, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों को नियम कानून का ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए। और एसपी ने पुलिसकर्मियों को मानवाधिकार के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह व सीओ मंजनपुर डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह भी मौजूद रहे। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। द्वारा दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारतीय संविधान एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा भारत में अंगीकृत एवं लागू समस्त मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति सत्यनिष्ठ एवं वफादार रहूंगा। मैं मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात के मानवाधिकारों का सम्मान एवं सभी के आत्मसम्मान का आदर करूंगा। मैं अपने शब्दों, दस्तावेजों या विचारों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं मानवाधिकारों के विकास एवं सुरक्षा हेतु सदैव कर्तव्यबद्ध रहूंगा। जय हिंद।